खबर रीवा से है, जहां रक्तदान कर लोगों को जीवन देने के लिए महारक्तदान शिविर का आयोजन आज रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। इस रक्तदान शिविर में रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद सहित कलेक्टर एसपी जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं, जिनके द्वारा खुद रक्तदान करके शिविर की शुरुआत की गई है। रक्तदान आज के समय एक महादान है। कई बार हम देखते हैं कि एक्सीडेंट होते हैं, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, इस तरह की कई बीमारियां हैं या अन्य कई उसमें कारणों में हमको मरीज को रक्त की आवश्यकता पड़ती है, अचानक से रक्त की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे जो ये कैंप चल रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके रक्तदान करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और जिससे कि ऐसे मरीज को जिनको इमरजेंसी में ब्लड की आवश्यकता है, उसके लिए हमारे ब्लड बैंक में समय पर रक्त की अवेलेबिलिटी रहे और उनकी जान को बचाया जा सके। और इसीलिए मैं सभी से अपील करता हूं, सभी युवाओं से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहां पे आएं और रक्तदान देके कहीं ना कहीं किसी मरीज की जान बचाने में अपना योगदान दें। आज मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। हम टारगेट कर रहे हैं कि कम से कम 600 लोगों का आज ब्लड डोनेशन हम यहाँ पर करवा पाए। आप सभी से अपील है कि आप खुद भी आए और ब्लड डोनेशन करें, इससे कोई नुकसान नहीं है। फायर चेकिंग के बाद ही आपका ब्लड लिया जाता है और किसी ज़रूरतमंद को ही इसका उपयोग होता है। सभी पुनः आपकी अपील है आप सभी से कि आप आए और रक्तदान करके किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपना सहभागिता दें। रीवा कमिश्नर सहित प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने लोगों से अपील की है कि रक्तदान में शामिल होकर लोगों को जीवन प्रदान करें। बता दें कि रीवा का संजय गांधी अस्पताल विंध्य क्षेत्र का एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहां विंध्य क्षेत्र के सभी लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। चिकित्सक उनका इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन रक्त एक ऐसी चीज है जो मशीनों से नहीं बनाई जा सकती, जिसे लोगों को दान करना बेहद ही आवश्यक होता है। रीवा के प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि लोगों की जान बचाने के लिए अधिक से अधिक लोग रक्तदान शिविर में शामिल हो और किसी के बहुमूल्य जीवन को बचाने में योगदान दें। आज आयोजित रक्तदान शिविर के अवसर पर संभागायुक्त के साथ एसपी रीवा, नगर निगम कमिश्नर सहित जनप्रतिनिधि के तौर पर मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और थाना प्रभारियों ने अपना रक्तदान किया है। आप सभी के चैनल के माध्यम से सभी को यथाचित सादर प्रणाम। रक्तदान महादान, रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान करके किसी जरूरतमंद की जिंदगी अवश्य बचाना चाहिए। मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि रक्तदान करिए और विशेष तौर से जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के सेवक हैं और उन्हें भी आकर के यहां पर रक्तदान करना चाहिए, तभी सही मायनों में वो जनता के सेवक के तौर पर स्वीकार होंगे। यही बात मैं संदेश आपके चैनल के माध्यम से लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि रक्त कहीं पर आर्टिफिशियल। इसमें हम लोगों को यही कहना चाहेंगे, रक्त देने से कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि जो रक्तदाता होते हैं उनको शारीरिक रूप से भी बहुत सारे फायदे होते हैं और उसको हमेशा देना चाहिए। और जिन लोगों को आवश्यकता होती है ब्लड के लिए, अपने परिजनों के लिए भी, उनको भी हिचकिचाना नहीं चाहिए कि कई बार सोचते हैं कि ब्लड बैंक में ब्लड होगा, तो ब्लड कोई मशीनों में नहीं बनता है। और ये सब लोग जैसे समाज से भी हैं, स्वयं से भी हैं, वो लोग ही ऐसे रक्तदान के देते हैं और जिससे इमरजेंसी में मरीजों की जान बचाई जा सके। तो परिजनों को अपने रक्त जब मरीजों की ब्लड की आवश्यकता तो खुद दें, अगर जब अति आवश्यकता होती है, इमरजेंसीज होती है, तो तब उस ब्लड बैंक में से ब्लड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। और बहुत सारे बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनके लिए बार बार ब्लड की आवश्यकता होती है, उसके लिए ऐसे ब्लड की हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है जो ब्लड बैंक में जमा है, क्योंकि परिजन भी बार बार कई बार नहीं दे पाते हैं। तो आप लोगों को सबको इसमें समाज के लिए, हित के लिए, मरीजों के लिए इसमें शामिल होना चाहिए और ये महादान है और आप सब इसमें सहयोग करें कि एक ब्लड से हम लोग कई, एक ब्लड देते हैं अपन, ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, 350 ग्राम के करीब रहता है, उसमें से कंपोनेंट सेपरेशन के द्वारा एक ब्लड से कई प्रकार के बन जाते हैं, उसी में से सेपरेट करके आरबीसी अलग, प्लाज्मा अलग, ऐसे करके कई कंपोनेंट्स बनते हैं। तो एक ब्लड से 3 लोगों में फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से आप सहयोग करें और ये
रीवा शहर में, विंध्याचल में ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा दान होता है, 600-700 तक ब्लड डोनेट हुए हैं एक दिन में। तो आप सब लोग इसमें सहयोग करें, उस रिकॉर्ड को तोड़ें, 1000 तक भी लेके जाएं आगे जाके। थैंक यू।